ओके तो मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम बनाएंगे ये ड्राइंग है एक, इसको 3D में बनाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके की ड्राइंग है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे करेंगे वैसे वैसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे को इसकी बाउंड्री बनानी है, फिर इसके अंदर एक ये स्टेप बना हुआ है वो बनाएंगे, बीच में कट मारेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे दिया वैसे वैसे करेंगे, थोड़ा ड्राइंग समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो यहाँ पे लिखा है ये 1.59 अच्छा टाइप। हाँ, इसका मतलब इसकी जो थिकनेस है वो सारी तरह सारी साइड से 1.59 की। ठीक है, एक हमारे को सर्कल दे रखा है 12.70 का, एक हमारे को सर्कल दे रखा है 58.38 का। ठीक है, एक हमारे को दे रखा है 58.74 का, और कौन सा रेडियस है हमारे पास, यहाँ पे रेडियस है 12.70 का। ठीक है, चार हैं ऐसे, यानी 12.70 का इधर भी होगा, 12.70 का इधर भी होगा, और कोई और जगह भी होगी जहां पे नहीं है। सबसे पहले तो मेरे को ये सबसे बड़े वाला सर्कल चाहिए। ठीक जी है, जो जो हमारे को दिखता जा रहा है हम बनाते जाते हैं। सबसे पहले 12.70 का डाया बना लेते हैं। तो प्लेन लो, स्केच कमांड ली, और यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं 12.70 का। ठीक है, 12.70 का डायमीटर बना दिया। उसके बाद दिया हुआ है हमारे को, अगर ध्यान से देखेंगे ना तो यहां से सेंट लाइन दे रखी है 11.91 पे, और फिर वहां से 19 के सेंटर से डायमेंशन है। तो यानी कि मेरे को एक लाइन लगानी है मिड पॉइंट वाली ऐसे। ठीक है, और इसकी डिमेंशन दे रखी है हमारे को 11.91। तो यहां से यानी कि यहां तक है 11.91। ठीक ओके, ये हो गया। उसके बाद हमारे को डायमेंशन दे रखी है 19.05, 58.74। तो एक सर्कल बनाएंगे, इसका सेंटर और ये डायमेंशन हमारे को दे रखी है 19.05। ठीक है, ये है 58.74 का रेडियस। लैडर में जाके रेडियस का, इसका जो सेंटर है इसके सेंटर की सीध में होना चाहिए। ठीक है, जी 12.70 है रेडियस, डायमीटर ही है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे को देखा है 58.38, ये अंदर वाला सर्कल है। हो गया, जी ये जो डायमेंशन है ये भी रेडियस वाली चाहिए। ये मजाक के खोल के रखनी पड़ेंगी, इसमें और जी कुछ मुश्किल काम नहीं है। एक हमारे को 30 डिग्री पर लाइन दे रखी है, एक यहाँ पे सर्कल दे रखा है
ये 1.5 है, ये दे रखा है 66.68। यहाँ से बस बस इस ड्राइंग में कुछ नहीं आया मुश्किल, बस डायमेंशनों का ध्यान रखना है हमारे को। 68 हो गया, उसके बाद 60.25 है, तो एक सर्कल और 60.25 इंटू फिर ठीक लेटर में गए रेडियस। ठीक हो गया, यानी कि ये बड़े वाला सर्कल लग गया अब। ठीक है, सबसे बड़े वाला भी लग गया, उसके बाद ये 60 वाला भी लग गया, उसके बाद 58 वाला लग गया, 58.38 वाला भी लग गया। ये वाली हमने लाइन लगाई है, ये है 66.68। सर, ड्राइंग के पता किता लग रहा है कि केड़ा सर्कल कितो लिया। आंखें खोल के देखना है बस, और क्या, ये वही सेंटर ना पॉइंट। सर, इतना सारा दे दिया। तभी तो मैं बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ताकि देखने दिखने लग जाए, और कोई कारण नहीं है बनाने का। अब ये है 66.68, दोनों साइड लाइन चाहिए हमारे को, एक लाइन चाहिए ऐसे और एक लाइन चाहिए ऐसे, दोनों लाइनें जो हैं इक्वल होंगी। ठीक है, बोलो दोनों लाइनें इक्वल हैं, हमने यहाँ पर रेडियस लगाना कितने का, देखो यहाँ से 34 डिग्री पे लाइन है, यहाँ से भी 34 डिग्री पे लाइन है, पर 34 डिग्री पे लाइन है 12.70 के सर्कल के टेंजेंट। तो यानी पर एक सर्कल बनाना है जो कि इसके टेंजेंट हो, और इसका रेडियस 12.70 × 2। ठीक है, और ये पॉइंट हॉरिजेंटल भी हो और ये टेंजेंट भी हो, और एक लाइन हमारे को चाहिए एंगल पे। कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करो, टेंजेंट फालतू का ट्रिम कर दो। ये जो डायमेंशन चाहिए, ये इस पॉइंट से ये वेक्टर, ये 34 डिग्री है। ठीक है, ये 34 डिग्री बन गई ना, ठीक है 34 डिग्री बन गई, पर इसकी भी हाइट नहीं पता लग रही है ना कि ये लाइन नहीं, ये 19.50, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है प्रेजेंट हो गया ना ब्लैक। और ये जो लाइन है यहाँ पे 12.70 का फिलेट लगानी है, 12.70 की फिलेट लगाने के लिए इस लाइन को मेरे को एक्सटेंड कर लेना है, और
इस सर्कल को ट्रिम कर लेना। ट्रिम करते हुए कुछ छोड़ना नहीं चाहिए, ना ही किसी और को हाथ लगाना है, ठीक है। एक हमारे को सेंट्रल लाइन चाहिए ताकि मैं मिरर कर सकूं, मिरर इसको इसको, मिरर अबाउट दिस लाइन, ठीक है। इसका मतलब कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 12.70 दिए, टॉयलेट तो लगा देंगे 12.70। ठीक है, दोनों साइड 12.70 हो गया। ये रेडियस कितने का है? ये रेडियस दिया कहीं पे? वैसे यहाँ पे 4 दिया है, 2 ये हो गए, ये भी 12.70 है, ये भी 12.70 ही होंगे। 12.70 फिर लगा देंगे यहाँ पे, यस, यहाँ पे यस, ठीक है। अब ये जो होल है, ये हमारे को काउंटर बोर होल है, इसका डाया दे रखा है हमारे को 8.73, अंदर वाला होल, ठीक है। तो इसका डाया थोड़ा कम कर देते हैं, 8.73, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इन स्केचों को भी मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, ठीक। क्या अभी मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले बाहर वाली, ये बाहर वाली बाउंड्री बना रहा हूँ, ठीक है। बाहर वाली बाउंड्री बनाएंगे और इसको एक्सट्रूड कर देना है 14.29, इसको एक्सट्रूड कर देंगे 14.29, ठीक। वैसे तो अगर ये सर्कल भी ना बनाओ तो भी ठीक, सर्कल बाद में बनाएंगे, 14.29। इससे फायदा क्या होगा हमारे को कि मैं 1.59 का इसको शेल कर सकता हूँ। शेल लेंगे, ये सिलेक्ट 1.59, ठीक है। समझ रही बात, बीच में से कर दिया हमने खाली। अब हमारे को ये बनानी है अंदर वाली लाइन, ये वाली लाइन दिख रहे हो, ये वाली लाइन बनानी है हमारे को। ये है 3.18 की थिकनेस, तो यानी कि स्केच बनाना है इसके ऊपर और ऑफसेट कर देना है इसको रिवर्स, सारे सेलेक्ट करना है मेरे को। ठीक है, ये वाली लाइन बनानी है हमारे को 3.18। दोबारा करता हूँ, एक आसान तरीका दिखाता हूँ। ये ऑफसेट जो करेंगे ना, जी
तो यहाँ पे सेलेक्ट चेन कर लो। T1 है, ठीक है। क्यों क्यों करना है? अब ये सर्कल भी बनाने हैं हमारे को। 2.38 का 5 है सर्कल, यानी के 1, 2, 3, 4 और 1 ये 5, ठीक। अच्छा कितने डिग्री पे है ये? 36 डिग्री पे है ये, है इसकी डिमेंशन दे रखी है 41.28। तो इसको सीधा करके एक सर्कल बनाओ और उसको डायमेंशन दे दो यहां से 40.28, ठीक है। अच्छा और नीचे से कितना है? यहां से 24 और 24 10, 22.404 और 24.10। अब हमारे को इसका सेंटर चाहिए, ये स्केच को शो कर लो। तो हमारे को डायमेंशन लेनी आसान हो जाएगी, ये पॉइंट है ना यहाँ पे जहां पे इसका सेंटर है, ये यहाँ पे। अच्छा तो डायमेंशन देंगे इस पॉइंट से 22.04 प्लस 24.10, ठीक है। आ गए ना अपनी सभी सही जगह पे। सर्कल का डाया है 2.38। ठीक, एक और सर्कल भी है यहाँ पे जो इससे बड़ा है। इससे बड़े वाला सर्कल कितने का है? ये थ्री है, 7.94 है, ये बड़ा सर्कल कितने का है? ये सर्कल ये सर्कल T.97, ये भी 3.97, ये लिखा 3.18, 3.18 लिखा ना बार वाला सर्कल, 3.18, ये ठीक है। ठीक हो गया। इसको अगर मैं ट्रिम करूं ऐसे, ये 6 है कह रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक ठीक
एक हमने बना लिया, दूसरा हमारे को यहाँ बना, 22.04। तो एक और सर्कल बनाओ, ये ना रेडियस होना चाहिए, 3.18 का रेडियस। अब ठीक लग रहा है ना, पहले देखने में गड़बड़ लग रही। और ये डायमेंशन है 22.04, 22.04, ये 47.63। आ गया ना अपनी सही जगह पे, इन दोनों को कंट्रोल करवा फालतू का ट्रिम कर देंगे। ठीक है, एक और सर्कल बनाओ इसी के सेंटर से, और कंट्रोल दबा के इको इको। ठीक हो गया। अभी दो यहाँ पे चाहिए, 7.14 है यहाँ पे डोमेंशन दे रखी है, 26.20। एक सर्कल बनाएंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे कंट्रोल दबा के, ये है 7.14, यहाँ से 7.14, और ये डायमेंशन है 26.20। ये आपको बटन कर देंगे, एक छोटा सर्कल बना लेंगे कंट्रोल दबा के, इक्वल कर दें। ठीक है, तीन हमने बना लिए, इधर भी सेम ही है, तो हम इन तीनों को, एक मिनट, तीनों सेम है कि नहीं है वो डायमेंशन से पता लगेगा। इधर 41.8 दिया, इधर कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो इसलिए इसलिए मेरे को मिरर कर सकता हूँ मैं, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो कंट्रोल दबा के, इसको सेलेक्ट करो। ठीक है, मिरर एंटिटी, ये यहाँ पे एक लाइन है लगी हुई, वो हमने उसमें लगाई थी, ये वाली लाइन, इसको कन्वर्ट आइडेंटिटी कर सकता हूँ मैं। और इस लाइन को कर दो कंस्ट्रक्शन। कंट्रोल दबा के मिरर, मिरर अबाउट दिस, पर हमारे को इसको ट्रिम करना पड़ेगा सर्कल। ट्रिम करते हुए ऐसे नहीं कर सकते, इधर किया फिर बीच में किया, एक सीरियस वाइज चल रहा है हमारे को, इधर किया इधर किया इधर किया इधर किया, सीरियल वाइज चलना है। अगर नीला हो जाए तो फिर नहीं ट्रिम करना। ठीक है, ओके, इसको करना है एक्सट्रूड, पर एक्सट्रूड ये बीच वाला होने लग जाएगा, तो हमारे को ये वाला पोर्शन करना है एक्सट्रूड, इतना एक्सट्रूड करना है वो हमारे को। ये देखो, ये जो चीज है ये हमारे को इतनी एक्सट्रूड करनी है,
इसका मतलब यहां तक, तो इसका मतलब हमारे को ऊपर से 3.17 छोड़ के बाकी कर देना है। तो यहाँ पे कमांड होती है ऑफसेट फ्रॉम सरफेस, ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3.17, तो वहां तक ये एक्सक्लूड हो जाएगा। ठीक, मतलब मेरे को बाहर वाली लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, मैंने सिर्फ अंदर वाली लाइन बनाई थी, इधर वाली लाइन उसने अपने आप ले ली चंटू को एरिया की वजह से। ठीक है, उसके बाद मैं ये वाला कट बना लेता हूँ, ये बीच वाला जो हमारे को दे रखा है, ये 58.38 का सर्कल हमने लगा रखा है ऑलरेडी। स्केच को अगर मैं देखूं तो ये वाला है। ठीक है, हमारे को एक्सट्रूड कट करना है इस प्लेन पे और सबसे नीचे वाले सर्कल को कन्वर्ट आइडेंटिटी कर देना। ये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमारे को एक लाइन यहाँ पे दे रखी है, ये लाइन की डायमेंशन है क्या हमारे पास, ये है 19.05। ठीक है, तो एक लाइन लगाओ। अब ये 19.05 है इसके सेंटर से, तो यहां से यहां तक 19.05 ठीक हो गया। उसके बाद 19.05 समझ आ गया। उसके बाद यहां से 9 mm के डिस्टेंस पे ये लाइन लगी हुई है, देख रहे, जी 9 है, फिर उसके बाद 2.38 है। पहले एक लाइन लगाते हैं, ऑफसेट भी कर सकता हूं मैं सीधा 9 की। दोनों को ही कर दे, यहाँ पे ना एक कमांड होती है मेक कॉर्नर, ट्रिम के अंदर कॉर्नर, कॉर्नर में क्या दो लाइनें सेलेक्ट करो वहां कॉर्नर बन जाएगा, दो चीजें सेलेक्ट करो वहां कॉर्नर बन जाएगा। तो हमारे को ना एक्सटेंड करना पड़ा ना ट्रिम करना पड़ा, ऐसे बन गया। ठीक है, अब ये जो चीज है इसको हमारे को, ये देखो ये जो अंदर वाला है ये तो थ्रू वॉल है, और ये जो है ये कट नहीं है, ये टू, इसकी डायमेंशन देखनी पड़ेगी कितना डेप्थ है इसकी, ध्यान से आंखें खोल के देखना पड़ेगा। ये टोटल 0.38 है, 3.18 का आधा कर देता हूँ, ये दे रखी है 1.98, 3.18 डिवाइड बाय 2, तो फीचर एक्सट्रूड कट 3.18 डिवाइड बाय 2। और ये तो आर पार हो गया, डिवाइड नहीं हुआ। अच्छा, एक गलती हो गई, इसका मतलब ये जो हमने शेल किया था ना, तो शेल में जो नीचे वाला फेस है ये 3.18 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखो, अब ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को क्या दे रखा है, 2.38, इधर से 2.38 है,
ये 59.74 के साथ था, थोड़ा सा गलत बन गया। ये जो एक्सट्रूड कट गया ना, ये इस सर्कल के साथ करना था, इसके साथ ही करना आगे था। और कॉर्नर जो बनाना था हमारे को, वो इन दोनों का बनाना था। ये तो गलती ठीक करना भी आना चाहिए। जी अभी ठीक है, फिर से टूल कट करेंगे, ऑफसेट करेंगे, कितना 2.38, रिवर्स 2.38। ये जो अंदर वाला सर्कल है, अब इसको कन्वर्ट एंट्री कर लेंगे, ऑफसेट इसको 2.38, नीचे से कितना 3.97, ऑफसेट 3.97। ठीक है, एक एक लाइन देखो, उसकी डायमेंशन देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। आपको 3D दिमाग में बननी चाहिए कि 3D फोटो कैसी होगी। अब इसमें तो हमारे को जी आइसोमेट्रिक दे ही रखा है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और ये जो है, ये वाला है, पर इसमें फिलेट भी थी, इसमें फिलेट है 3.18 की दोनों साइड, और यहाँ पे 15.88 भी। पंद्रह पॉइंट 88 एक है जी ये, और एक है जी ये, ठीक है, और वो है 3.18। फिलेट लेंगे 3.8, तो इतना बना के सेव जरूर कर लेना है। ड्राइंग नंबर है ये 87। ठीक है, है? फिलेट सर आप स्केचेस भी दे सकते हाँ, फिलेट के स्केचेस भी दे सकते ना। स्केच में अब भूल गए, वही तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर भूल गए तो गुस्सा नहीं मनाना और दुखी भी नहीं होना, उसको 3D में जी लगा लो, क्या दिक्कत है। बल्कि 3D वाली फिलेट ज्यादा अच्छी होती है, ताकि उसको मॉडिफाई करना है, क्योंकि इजी होता है। जी ठीक है ना, ये स्केच का काम खत्म हो गया, तो स्केच को हाइड कर देंगे। ठीक हो गया, ये 58.74।